इन्होंने जो आपको सच की राह पर चलना सिखाया है, उसी सीख का वास्ता है आप सबको। आप लोग वही तय करना जो आपको सही लगे। दोनों भाखरवड़ी चखना और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना कि कौन सी बेहतर है, और उसी को अपना मत देना। समझ गए? हाँ, मुझे गए। फिर जो भी नतीजा होगा वो हमें कबूल होगा। वाह 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 गुजराती, कर दी ना गुजराती गिरी। हंसते हंसते सुमड़ी में अपना चुनाव प्रचार कर लिया। ऐसी राजनीति खेली महेंद्र भाऊ। अच्छा, तो बिना बताए अचानक वोटिंग अनाउंस करके आपने क्या खो खो खेला? वाह शाबाश मेरे खरगोश लाल। अरे लेकिन अन्ना अंकल, हम ये स्पर्धा ही रहने देते हैं ना? हाँ, दोनों की अपनी अपनी खासियत है। और नहीं नहीं, अब तो स्पर्धा होकर रहेगी गायत्री बेटा। देखते हैं ना कितने सच्चे हैं हमारे मराठी पड़ोसी। हो जाने दो सीक्रेट बैलेट, क्या कहती उर्मिला? आहा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते महेंद्र। तो हो जाए सीक्रेट बैलेट। अगो भाई, अभी ऐसे डांस करना है क्या चुप चुप के? बस क्या? अरे अभी तो इन्होंने कहा सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट म्हणजे गुप्त मतदान। बर बर, बेले बेले रोटी बेले। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। अन्ना शुरू कीजिए आप वोटिंग। अच्छा चलो भाई। शुरू करें। पहला मत मराठी। गुजराती। यस गुजराती बरोबर। मराठी। मराठी। ये लोग हैं इतने लोग। गुजराती। हाँ, दो हुए। मराठी। गुजराती। गुजराती। चार। मराठी। गुजराती।
अरे पांच हो गए पांच। गुजराती छे। अरे बाखरी मत, अब तक छे मराठी है और छे गुजराती है। अब ये आखिरी मत तय करेगा कि कौन सी बाकरवड़ी ज्यादा स्वादिष्ट है। और ये मत ये भी तय करेगा कि मेरे घर में कितने विभीषण भरे पड़े हैं। अच्छा मतलब अब रावण है आप ये मानते हैं ना? अमोल बाड़ा काय बोलतो है। अरे वाह रावण। ए अभिषेक खोल खोल पर्ची खोल। हाँ। अगर भाई देख इतनी तेज चल रही है नब्ज मेरी। वहीनी अरे वो आखिरी वोट निकालने वाला है और ऐसे टाइम पे भी तुझे इसके इशारे का मतलब समझना है। फटाफट एकदम फटाफट समझ लूंगी ना। वहीनी नब्ज मेरी का इशारा ऐसे कैसे हुआ? क्यों वो सिस्टर मेरी ऐसे तो प्रार्थना करती है रोज, तो ये मेरी का इशारा हुआ ना। अन्ना आप ही देख लीजिए। बोलना अभिषेक। गुजराती 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 7-6 से जीत गए हम। गुजराती भाकरवड़ी अपने गुजराती भाकरवड़ी बेस्ट साबित हो गई है। हेलो। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। आज बर्थडे की दुकान पर नोटिस चिपक गया है। लेकिन सुनो अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारा ऑफिस बंद रहेगा ना? बस यही मैं चाहता हूँ क्योंकि इस बुड्ढे के पास केवल 24 घंटे हैं अपनी दुकान बचाने के। लेकिन वो भी बेकार क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद रहेगा। बस 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 करो अभी ये। सात मत मिले गुजराती भाकरवड़ी को। 3 मत तो इन गुजराती लोगों के और बाकी 4 हमारे घर में से। हमारे घर में से 4 लोगों ने मुझे धोखा दिया। बरोबर है। चलो चलो घर चलो। हाँ सबकी खबर लेता हूँ मैं। अन्ना लेकिन तू गप्पा बस। चलो चलो राम राम। जी राम 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 राम। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अरे हाँ हाँ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। खुदा हाफिज सायोनारा सायोनारा। लेकिन वो ऐसे अरे मेलो अच्छी जा आओ जाओ ए प्रिया विता। अरे हाँ हाँ इन सबको बाय बाय और हमें कांग्रेचुलेशन। और मुझे वेलकम बोलिए वेलकम। अब से मैं यहीं रहूंगा। बालू अमोल तू घर चल बाड़ा। घर चल। नहीं आप मुझे चुप चुप ऐसे बिल्कुल चुप बोल के टपली मारी मालू। अरे तू घर चलना मैंने कहा ना अभिषेक समझाना इसे। हाँ। नहीं ये डबल डोल है डबल डोल। दादा घर चल के झगड़ा कीजिए। हाँ ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ एक मिनट अभिषेक एक मिनट। ये अंदर अंदर इशारेबाजी क्या चल रही है? अन्ना मुझे चुप करवा रहे हैं। मैं उनकी पोल खोल देने वाला था ना। पोल? हाँ जब वोटिंग हुई ना वोटिंग। हाँ तो पहले अन्ना ने हम 4 लोगों को SMS करके बोला ये देखो आपकी भाकरवड़ी को वोट देना गुजराती भाकरवड़ी को। अभिषेक फोन दे। ये देखो अभिषेक का फोन।
फिर हमने आपकी बकरवड़ी को वोट दिया, फिर भी चिल्लाए। अन्ना साहब ये अरे वो ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरी हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, मेरी तो गोलाकार में है। अरे ये सब छोड़ो ना, फोन बिन हाँ ये रखो, गुजराती बाकरवड़ी बेहतर है, ये हो गया ना साबित है कि नहीं, बोलो हाँ ना। हाँ मैंने जिंदगी में बड़े बड़े चीटर देखे, लेकिन अपने साथ चीटिंग करके दूसरों को जीता है ऐसा चीटर पहली बार देख रहा हूं अन्ना सर। आपने मुझे अरे बाप रे, ये तो जंगल में से मोर नाचा, अभी मोर की तरह नृत्य करेंगी ऐसे। अरे मोरेंद्र भाऊ है? महेंद्र महेंद्र देखो अभी आप यजमान थे इसलिए आपका मान रखने के लिए मैंने थोड़ा खेल खेला। बड़ा खेला ना भाई, बड़ा खेल खेला। चलो मान लेता हूँ मैंने थोड़ा बड़ा खेल खेला। हाँ। चालबाजी अन्ना भाई, चालबाजी किया आपने। हाँ, चालबाजी भी कह सकते हैं। नहीं नहीं डाकूगिरी अन्ना भाई, डाकूगिरी। अरे क्या डाकूगिरी की, अरे उदारता बोल, उदारता। हाँ रे। और आप क्या, हाँ रे। इसने आपको खिलाड़ी से डाकू बना डाला पंप मार मार के, और आप घोड़े पे निकल भी पड़े तबड़ा तबड़ा करके गब्बर गोखले। अरे पर वो देखो ना, हाँ शब्द ऐसे सरकाती है कि कोई भी इंसान ना चाहते हुए भी बोलने लगता है पड़ा 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 पड़ा। अहो मैं शांति हूँ, सचमुच शांत हूँ मैं। वो मैं देख रही हूँ, मैं शुभ रात्रि बोलने के लिए बोल रही थी। हा? बहुत समय हो गया है, अभी कल छुट्टी है, मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है, और कल सुबह जल्दी भी तो नहीं उठना किसी को। हा? और प्रभाकर अभी तो गीत संगीत बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ जोत्सना, बहुत समय हो गया है, चला चला शुभ रात्रि शुभ रात्रि। अन्ना 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 रुकिए ना, रुकिए। महेंद्र भाऊ आपने मुझे विषय दिया था ना पेट का दर्द, उस पे मैंने 5 गीत लिखे हैं। बस मैंने 19 लिखे हैं। 24 महेंद्र वो मींस के वो रोमांटिक वाला सुना ही है ना जो आपने मेरे लिए लिखा था। अगवाई निर्मिति, पेट के दर्द पे रोमांटिक गीत। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले पढ़ता हूँ फिर गा के भी सुनाऊंगा। अरे बाप रे, मतलब दो बार। अनिबेन, ओ अनिबेन, अनिबेन ये रोमांटिक गाना सुनकर ना मैं तो 16 साल की हो गई थी। वापस बोलो होता है क्या किला? वो बाली उम्र में से कम सिन कली शर्माती है ना, वैसे मैं तो गिर पड़ी थी ऐसे शर्माते शर्माते। हम लोग भी ऐसे ही गिर पड़ेंगे लेकिन घबराते घबराते। प्रभाकर सुनना, शब्दों के साथ कैसे खेला हूँ मैं, सुनाओ। इरशाद इरशाद। अमोल, पेट का दर्द हुआ तो मुझे तेरी याद आई, पेट का दर्द हुआ तो मुझे तेरी याद आई, तू कैसे चूरन देती थी और हवा छूटती थी ढाए ढाए ढाए। तो भाई 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 दिखा है कभी ऐसा प्यार दिखा है ढाए ढाए वाला। आज तू नहीं तो दिल से पेट करता है बहस मेरा, अन्ना साहब सुनिएगा, आज तू नहीं तो दिल से पेट करता है बहस मेरा, आजाद नहीं होता मुझसे कैद जो है मुझ में गैस मेरा। वाह 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 वा। अभी तो ये पहला है, ऐसे 23 और आने वाले हैं ना। महेंद्र बाबू खलास कर डाला। फिर राव हाँ, अरे ये पढ़ ली।
लकवा बिकवा हो गया। ये महेंद्र भी ना बड़े वो है। आओ तेरे मारी उर्मिली। अरे आओ तेरे आओ। अब दूसरा। अभी दूसरा? रुकिए, रुकिए, रुकिए। अमोल ने बोला है रुकने को। ये पहले वाला गाके कहाँ सुनाया आपने? अरे नहीं नहीं, अमोल ने बोला है गाने के लिए, अब तो गाना पड़ेगा। अरे वो तो अमोल ने बोला है, वो तो बोला है बेचारा। हाय, पेट का दर्द हुआ मुझे तेरी याद आई, याद आई। बंदूक है बंदूक, किस किस को मारोगे अन्ना? वो देखो प्रभाकर दादा, देखो। अरे बाप रे, खारा समंदर बड़ी मछली को देख रहा है। ओहो हो, पेट का दर्द हुआ मुझे तेरी याद आई, तू कैसे चूरन। एक मिनट महेंद्र भाऊ, क्या क्या कहा? महादेव पेट में? आप कहना चाहते हैं महादेव पेट में गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स? ये कौन सी दुकान? हमारी दुकान, क्या हुआ? हाँ, वो दुकान के आगे आग लगी है। आग लगी है? 50-60 लोग वहाँ से गुजर रहे थे। 50-60 लोग? 500-600 की जान खतरे में है। 500-600 की जान? 5-6 हजार लाशें। 5-6 हजार? अरे यहाँ भावताओ क्या करने बैठ गए? आग लगी हमारी दुकान में। हाँ चलो चलो चलो। उर्मिला उर्मिला, पानी की बाल्टी लेकर आ। नहीं नहीं, ड्रम ड्रम महेंद्र, ड्रम। हाँ ड्रम लेकर आ तू। नहीं नहीं महेंद्र, बम्बे वाले को फोन करो, बम्बा वाले को। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। चलो चलो। भाई 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 भाई, सासू भाई। आपको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही ना सासू भाई? भारती, इसे आराम से समझो ना कि चिंता का इशारा ऐसे कैसे हुआ। हा? क्योंकि तुम्हारे अण्णा ने तो महेंद्र भाऊ के गाने से बचने के लिए ये पैतरा आजमाया था। हाँ, अब बताइए चिंता का इशारा ऐसे कैसे हुआ? क्यों, राउडी राठौड़ पिक्चर में चिंता का गाने में चिंता का इशारा ऐसे ही तो है। चला था, चला। किधर है आग अन्ना साहब? अरे ये है तो सही, ये आग ही है। देखिए महेंद्र भाऊ, एम तो बुझाइए, जल्दी से बुझाइए आग, वरना ये आग आपकी दुकान तक फैल जाएगी। और आपका ये बोर्ड, 1-4 दुकान बंद, न सामान बिकेगा ना उसकी सुगंध, ये भी जल जाएगा। हाँ? फिर आप चला चला अभी 4 बजे आना ऐसे कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ, बस बस, अभी ऐसे व्यंग से बात करने की क्या जरूरत थी अभी? अच्छा, तो हमारी दुकान के बाहर आग लगी है ऐसा बोल के हमारी गीत महफिल भंग करने की क्या जरूरत थी? क्या क्या प्रभाकर दादा, क्या क्या बोले आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हा? आपको क्या लगता है कि अन्ना को आपका गाना नहीं सुनना था, इसीलिए अन्ना ने आपके खिलाफ साजिश की? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। आप बिंदास अपना गाना सुनाइए। पेट का दर्द। इरशाद, कुछ कच्चा खाना खाते हैं तो होता है पेट का दर्द, किसी ने मुक्का मारा हो पेट में तो होता है पेट का दर्द। तो मुक्का कच्चा खाना एक हुए, मटर अनारदाना एक हुए। अभी अभी इसे पता चलेगा पेट दर्द क्या होता है, जब इसे मैं पेट में मुक्का मारूंगा ना तभी। मटर और अनारदाना का पेट दर्द से क्या लेना देना मूर्खा? क्यों, कच्चा मटर खाने से पेट में दर्द नहीं होता? हाँ, और अनारदाने की गोली खाने से पेट के दर्द में राहत होती है अन्ना। बरोबर,
बरोबर है। मटर से पेट दर्द होता है और अनार दाने से पेट दर्द में राहत मिलती है, तो फिर दगर वो दोनों एक कैसे हुए? अन्ना ये देखिए। तभी तो बेचारा कवि पूछ रहा है कि क्या मटर और अनार दाना एक हुए, ये बोल नहीं रहे अन्ना साहब आपसे पूछ रहा है। ध्यान से कभी कुछ सुनते तो है नहीं आप। लेकिन कोई मेरी बात तो सुनो, ये अपनी दुकान बड़ा शांत रहे। मैं शांति हूँ। और बाड़ा बीड़ा क्या बोलता है मुझे? आपको नहीं बोल रहा हूँ अन्ना, मैं अमोल को बोल रहा हूँ। बाड़ा जा तू घर जा और बच्चों से कहानी सुन जा। लेकिन जा बोला ना जा। फिर कल मुझे बोलना मत कि बोला क्यों नहीं। बस नकली ने दुनिया की रानी।